माइनक्राफ्ट बट मेरा वर्ल्ड होने वाला है एक जार में। डेजर्ट टेंपल, वुडलैंड मेंशन, शिपव्रैक, हर एक चीज अलग अलग जार्स में होने वाली है। तो आइडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ये चीज हमारी गेम को हार्ड बनाती है, क्योंकि ये सभी जार्स होने वाले हैं स्काई में, और अगर मैंने छोटी सी भी मिस्टेक करी और जार से इधर उधर गिरा तो सीधा जाऊंगा वॉइड में और मैं मर जाऊंगा। लेट्स गो, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, चलते हैं गेम में। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड इन ए जार। तो फिलहाल जिस जार से अपना गेम स्टार्ट हुआ है ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा जार है। बाकी मुझे एक चीज चेक करनी है कि अगर मान लो मैं यहां से निकलना चाहता हूं और जो दूर दूर तक बाकी जार्स हैं यहां पर जाना चाहता हूं, तो क्या मैं इस क्लास को तोड़ सकता हूँ? लेट्स गो। तो हमें जरूरी नहीं है उस कैप को ही ओपन करके जाना है, हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं। उधर सामने एक बहुत बड़ा जार है जिसमें पूरा का पूरा विलेज है, उस तरफ में डेजर्ट वाली टर्टल्स वगैरह और बेडरॉक भी है वहां पे। वाओ, ये भी ठीक है। और सामने मुझे वो देखो डेजर्ट टेम्पल नजर आ रहा है, और इस तरफ में स्प्रूस है, और अगर उस तरफ देखूं वहां पर शिप, ओ वेट, अपनी फूड का इंतजाम वहां पर होने वाला। उधर देखो कांव पे, वो टोटल चार जार है और चारों जार्स में बहुत सारा खाना है, और इस तरफ में तो बहुत सारा गोल्ड आयरन। ये वाला जार बहुत काम का है, वहां पर जाना जरूरी है। बट हां यार, उससे ज्यादा जरूरी तो अपना ये डेजर्ट टेंपल है ना, पहले यहां पर चलेंगे फिर मैं बाकी जगह जाने वाला हूं। बाकी जहां से अपना गेम स्टार्ट हुआ है यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्री है, बट प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि सिंगल ट्री में बहुत सारा वुड है, तो मैं काफी सारे टूल्स बना सकता हूं। यहां पर अच्छा खासा स्टोन भी होना चाहिए। वेट, यहाँ पर मेरे लिए एक मस्त माइन बनी हुई है जहाँ पर कोल और लेट्स गो चीजें बहुत सारी है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं काम। फिलहाल यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर कुछ बुक्स रखी हुई है। तो गाइस, अभी ना पता है प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी जार आप दूर दूर तक देख पा रहे हो, मुझे अगर वहां तक पहुंचना है तो प्रॉपर ब्रिजिंग करनी पड़ेगी, ब्रिज बनाना पड़ेगा, और ब्रिज बनाने के लिए मुझे ढेर सारे कॉबल स्टोन माइन करने होंगे। तो ढेर सारे कॉबल स्टोन माइन करने के लिए मैं बनाऊंगा एक सिंपल कॉबल स्टोन फार्म। डन। तो मैंने यहाँ से ढेर सारा वुड तोड़ लिया, फटाफट से इसको यहाँ पर रखकर एक क्राफ्टिंग टेबल बना। मैं क्राफ्टिंग टेबल क्यों बना रहा हूं, ऑलरेडी यहां पर पड़ा हुआ है क्राफ्टिंग टेबल, तो क्यों ना डायरेक्ट स्टिक्स में यहां से लेकर एक पिकैक्स और एक एक्स बना लेता हूं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक सॉर्ड भी बना लेते हैं क्योंकि मुझे नीचे से बहुत सारी स्पाइडर्स की आवाज आ रही है। पक्का वहां पर कोई ना कोई स्पाइडर तो मेरा वेट कर रही है। ठीक है, बाकी केव कहां पर है, केव से चलते हैं ना। केव, मुझे फूड चाहिए होगा बहुत सारा, तो फटाफट मुझे पहले तो चलो कोई नहीं, पहले मैं कोल माइन कर लेता हूं, फिर उसके बाद चलेंगे वो जो फूड वाला जार है, मींस जिस जार में ढेर सारी काउ शीप्स वगैरह, वहां पर चलते हैं। ओह, यहां पर ये देखो कौन से वाले ब्लॉक्स आने लगे। ओ तेरी, यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारी स्पाइडर्स बैठे। मारो मारो, अरे ऊपर नहीं आना, मैं लावा लाकर डाल दूंगा अगर किसी ने ऊपर आने की कोशिश करी। भगवान से, अरे इतनी दूर कैसे मार रहे हो तुम? ले ले, ओए मार देंगे तो, मेरे पास वैसी फूड नहीं है, मत मारो मुझे यार, निकल यहाँ से निकल। एक बार ही ना, पहले मैं थोड़ा सा एरिया ओपन करके देख लेता हूँ आखिरकार यहाँ पर क्या हिसाब है। अरे फूड नहीं है, मत मारो मेरे को प्लीज। हाँ गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर सचमुच में कोई स्पॉनर है। वेट, स्पॉनर मेरे पास होना चाहिए क्योंकि यहीं से मैं ढेर सारी एक्सपी इकट्ठी कर सकता हूँ। फिलहाल अभी ओए पीछे रह, पीछे रह दो मिनट, मेरे को टोर्च लगानी पड़ेगी वरना मेरा गेम शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा यार। तो यहाँ पर मैं ढेर सारी टोर्च लगा देता हूँ ताकि ये जो स्पाइडर्स है ये स्पॉन होना बंद करे। तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल यहाँ से, और मेरे को एक टोर्च बना लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत और टोर्च रहेगी तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर भी लगा देता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए स्पाइडर स्पॉन नहीं होने वाली। यहाँ पर काफी सारी चेस्ट है, इनके अंदर ढेर सारा सामान है, तो ये सारा ही कलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल गोल्डन एप्पल मिल चुका है और ढेर सारा आयरन मिल चुका है, लेट्स गो। इस वाली चेस्ट के अंदर भी बहुत सारा माल है, तो ये भी सारा का सारा मैं उठा लेता हूँ। ओके, बहुत सारा रैंडम आइटम था, मैंने सारा का सारा पैक कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर चेस्ट खाली हो चुके, चेस्ट ले चलता हूँ, मुझे बनानी नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर अपना सामान रखवाऊंगा। मुझे ना एक वाटर बकेट बनानी है, तो मैं सोच रहा हूँ वापस ऊपर जाने की क्या जरूरत है, एक क्राफ्टिंग टेबल और बना लेता हूँ यहीं पे, और इस क्राफ्टिंग टेबल को रखवा देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर मुझे डालना है तीन आयरन, ये बन गई अपनी वाटर बकेट। नीचे से लावा होगा, लावा लेकर चलेंगे ऊपर और स्टोन फार्म बनाएंगे, अनलिमिटेड स्टोन मिलेगा फिर हमें। ओह वेट, यहाँ पर मैंने इसे माइन तो करा है, लावा का साउंड मुझे राइट साइड से आ रहा है, तो मुझे इस तरफ में बहुत आराम आराम से डिग करना है, कहीं लावा मेरे ऊपर ना आ जाए। हे लावा, कहाँ पर है भाई तू? दो, अरे मेरे भाई, ये रहा। काश यहाँ पर डायमंड हो, मतलब लावा ऐसा देखने को मिलता है तो डायमंड की याद आती है। एक एक गिलास लावा उठा लेते हैं, गिलास भी एक बकेट लावा उठा लेते हैं, एंड यहाँ पर मुझे नहीं लगता डायमंड मिलने वाला है, बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेता हूँ। ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन है, तो पहले मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा फ्लोर बना लेता हूँ ताकि जितना भी आयरन है वो सारा मेरी इन्वेंट्री में आए, तो नीचे नहीं गिरेगा वो लावा में। अब मैं इसे तोड़ लेता हूँ आराम से। बाय द वे गाइस, वो जो बुक थी ना उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग अपना कस्टम पोर्टल नहीं बना सकते, मुझे पोर्टल ढूंढना ही होगा। मतलब यार ऑलरेडी इस मैप में कहीं ना कहीं पर पोर्टल बना हुआ है, मेरे को वो ढूंढने के लिए काफी ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। चलो ठीक है, फिलहाल डायमंड तो नहीं मिला, अभी वापस चलते हैं ऊपर यहाँ से। इन्वेंट्री की बैंड बज गई है भाई, सारा सामान मेरे को ऊपर चल के सॉर्ट करना होगा, चेस्टों में रखूंगा आराम से। फिलहाल जाने से पहले थोड़ा बहुत और कोला ले चलते। अरे भाई भाई भाई,
अच्छा मैं अभी खुश हो गया था, मैंने कहा अरे यार बाहर बारिश हो रही है, तो हम लोग आए थे इस वाली साइट से भाग के चलते हैं ऊपर। मैं पूरा सीढ़ीदार रास्ता बनाता हुआ आ रहा हूँ ताकि मुझे चढ़ने के लिए बार बार ब्लॉक्स ना यूज करने पड़े। दन, तो अभी मैं आ चुका हूँ एकदम ऊपर। चेस्ट लाया था मैं, चेस्ट को रखवा लेता हूँ यहाँ पर। मैं एक चेस्ट रखता हूँ यहाँ पर और दूसरी अटैच करे भी ना यहाँ पर रखता हूँ, सेपरेट रहेगी तो ज्यादा मस्त रहेगा। फिलहाल अभी सबसे पहले ना मुझे एक फर्नेस बनाना है ताकि जितना भी मैं आयरन लाया ना वो सारा का सारा स्मेल्ट करके काफी सारे आयरन और बना लू, आई मीन आयरन इंगेट्स बना लू। तो यहाँ पर ग्रास हटा के इसे रखते हैं और उसके अंदर डाल देता हूँ आयरन और रॉ आयरन और डाल देते हैं ढेर सारा कोल ताकि वो हो जाए। और मेरे पास यार फूड नहीं है और मेरे को अपनी हेल्थ फुल रखनी है। खाओ खाओ खाओ, थोड़ा बहुत रोटन फ्लैश से हंगर आएगा। बट यहाँ पर और क्या ऐसी चीज हो सकती है जो मैं खा सकता? वेट, यहाँ पर सैल्मन्स है, लेट्स गो। मैंने देखी थी इसे यार, सैल्मन सबकी क्वांटिटी बढ़ाती है या फिर नहीं, मैंने इनको कुछ खिलाना पड़ता है, मैंने कभी पाली नहीं है तो शायद मेरे हिसाब से भी इन्हें मार ही देना चाहिए। मेरे को नहीं पता यार इससे कैसे फूड निकाला जाएगा, मेरे को इतना पता दो सैल्मन है, दो को मार के पका लूंगा तो थोड़ा बहुत फूड हो जाएगा। फालतू का सारा सामान इस वाली चेस्ट में रखवा देता हूँ, ये बाद में अपना सॉर्ट करते रहूंगा। 13 स्ट्रिंग्स है और थोड़ी बहुत स्टिक बना लूंगा तो मेरे पास मस्त एक बो का जुगाड़ हो जाएगा। तो लेट्स गो, यहाँ पर से मैं 3 स्टिक बना लेता हूँ, 1 2 3, और पीछे रख देता हूँ 3 स्ट्रिंग, ये बन गया बो। बट एक सेकेंड, बो चलाने के लिए एरो भी तो चाहिए होता है यार, वो तो यार मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, जब एरो मिलेगा स्केलेटन्स को मार के तो मैं इसे चला लूंगा। फिलहाल आयरन आ चुका, आयरन बाद में, वे पहले मेरा खाना पकाओ। 8 आयरन आया, इससे चेस्ट प्लेट तो बन जाएगी एटलीस्ट अपनी। एंड एक मैं कोबलस्टोन फार्म बना लेता हूं, यहां पर ढेर सारा कोबलस्टोन उससे इकट्ठा होते रहेगा एकदम मस्त। ये वाला ब्लॉक मुझे तोड़ना है, यहाँ से पानी आए, अरे यार रुको पहले पानी रोकना होगा। यहाँ पर ना लावा डाल देता हूँ, सीधा अपने आप ही पानी आता रहेगा और ये बनते रहेगा कोबलस्टोन। यहाँ पर बैठ जाता हूँ ढेर सारा कोबल, अरे यार वेट मैंने क्या करा, ये ऑब्सीडियन आ चुका है, इसको मैं तोड़ भी नहीं सकता, वेट दोबारा से लावा लेकर आना होगा। ऑल डन, तो मैं वापस से आ चुका हूँ ऊपर और एक सेकेंड अब मुझे ढंग से बनाना होगा अपना ये इनफिनाइट स्टोन फार्म। यहाँ पर डाल देता हूँ लावा और इस तरह फटा के यहाँ पर अपना कोबलस्टोन अब बनता रहेगा। बट वेट, एक काम करता हूँ, ये वाली जगह नहीं खराब करते हैं, इस जगह पर चल के बनाते हैं अपना मस्त कोबलस्टोन फार्म। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और इस तरफ में एक ब्लॉक हटा देता हूँ, तो मस्त मैंने 3 ब्लॉक्स हटा दिए हैं और अब मुझे यहाँ पर से डाल देना है लावा और इधर से लेकर आ जाता हूँ पानी। मैं काफी घटिया तरीके का कोबलस्टोन फार्म बना रहा हूँ पता नहीं क्यों, बट ठीक है अब यहाँ से मेरे को कोबलस्टोन मिलता जाएगा। और मेरी पिकेक्स टूट गई है बाय द वे, मतलब बस एक दो कोबलस्टोन और आएगा और फिर ये टू, अरे भाई मैंने आगे का ग्लास ही तोड़ दिया, अरे इसको लगाओ भाई पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। वैसे अच्छा हुआ कि यार वाली पिकेक्स टूट गई, मैं सीधा आयरन की पिकेक्स बनाने वाला हूँ। और फूड का जुगाड़ हो गया था तो मैंने फूड खा के अपनी हेल्थ भी फुल कर ली है, शायद से मुझे नहीं खाना चाहिए था अभी। वैसे वेट यार, मैं भी कहीं नूपपंती कर रहा हूँ पुराना सा घटिया तरीके का कोबलस्टोन फार्म बना के। इसमें पता क्या हो रहा है, आधा कोबलस्टोन मेरे पास कलेक्ट तो हो रहा है बट आधा जाके इस लावा में जल भी जा रही है, देखो लावा में ही चल गया। वेट मैं ना कुछ नए तरीके का बनाता हूँ, अगर मान लो यहाँ से मैं ये वाला ग्लास तोड़ दूँ और फिर एक ये वाला ग्लास तोड़ दूँ और उसके बाद इस वाले ग्लास का नीचे वाला ब्लॉक तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद मैं वाटर ले लूँ यहाँ से और यहाँ पर वाटर डाल दूँ तो डायरेक्ट इसमें आके रुक जाएगा। अब यहाँ से मैं लावा लेकर इसमें डाल दूँ तो एक कॉबल स्टोन बन जाएगा और अब इसमें से कोई भी कॉबल स्टोन बर्बाद नहीं जाने वाला है, सारा का सारा मेरे पास कलेक्ट होगा। ये वाला तरीका मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। वेल, तो ढेर सारे कॉबल स्टोन इकट्ठे हो चुके हैं और थोड़ी देर में शायद दोबारा से रात होने वाली है या सूरज बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है और चांद वो देखो ऊपर आ रहा है। बट ठीक है, सामने ही विलेज है तो मैं काम करता हूँ यहीं से ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉबल स्टोन इकट्ठे हो गए, मैं विलेज से जाके बेड ले लूंगा और तुरंत दिन कर लूंगा। डन, तो अभी फिर फटाफट से मुझे भाग के चलना होगा, स्पीड ब्रिजिंग का टाइम आ चुका है, फिर फटाफट से भागते हुए चलते हैं। वैसे गाइस मैं इतनी ज्यादा बुरी भी स्पीड ब्रिजिंग नहीं करता हूँ, मतलब हम तुरंत ही अच्छी खासी स्पीड से जा रहे हैं और 1.18 का एक घटिया ग्लिच मेरे को ब्लॉक ही नहीं दिख रहा है। अरे यार मैं चुपचाप आराम आराम से ही जाने वाला हूँ, सच्ची में कुछ नहीं दिख रहा है यार। ओके, तो फाइनली अब मुझे ब्लॉक्स दिखने लगे हैं तो दोबारा से स्पीड ब्रिजिंग कंटिन्यू करते हैं। डन गाइस, तो फाइनली मैं ब्रिजिंग करता हुआ पहुंच चुका हूं इस विलेज तक, जल्दी से चलते हैं इस जार को तोड़ के अंदर। और यहां पर प्यारा सा गोलेम, टेंशन मत कर मैं तेरे को मारने नहीं वाला क्योंकि इस वर्ल्ड में वैसी काफी ज्यादा कमी है चीजों की। और वेट, यहाँ पर कुछ पिग हैं तो इन पिग को खिलाऊं या मारूं, क्योंकि देखो अगर इन्हें मारा तो फिर बाद के फूड का टेंशन है। बाय द वे एक को तो मार ही सकते हैं ना, चल फूड दे, लाओ भाई लाओ, इसी बात पे ढेर सारा वोट दो, मैं एक हॉय बना लेता हूँ ना लगे यहाँ। क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पे और उसके बाद स्टिक्स के लिए मुझे रखना होगा ये रख के मुझे 2 कोबलस्टोन ऐसे रखने और ये बन गया हॉय। अब ढेर सारा यहाँ से मेरे फूड का जुगाड़ तो हो जाएगा सारा टेबल ले जाकर। और वेट, यहाँ पर एक स्पॉन्ज भी है बट इस स्पॉन्ज का यूज नहीं पता, बट फिर भी कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को यूज पता है, पानी सुखाने के काम आती है, बट इसमें
एक्स्ट्रा यूज क्या है, मेरे को पानी सुखाना नहीं उल्टा एक्स्ट्रा पानी चाहिए। हे बिल तो मुझे मेरे हिसाब से सारा का सारा लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ कैरेट है, ये भी ले लेता हूँ, पिक को खिलाने के काम आएंगे। एक्स्ट्रा कैरेट आ चुका है तो यहीं पर वापस से लगा भी देता हूँ, कुछ थोड़े बहुत बच जाएंगे। एक काम करता हूँ, इसी फार्म को मैं अपना फार्म समझ के चलाता हूँ ना, क्यों इनका नुकसान करा रहा हूँ मैं। जो जो कैरेट उगे हुए थे उनको मैंने ले लिया और जो बाकी है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। डन, तो ये फार्म आज से अपना फार्म है। और कुछ है तुम्हारे पास फार्म के नाम पे? टॉर्च दे दो यार, टॉर्च मेरे बहुत ज्यादा काम किए फिलहाल। ओके, इस वाले घर के अंदर भी मैं गया था। अरे भाई कसम से गलती भगदड़ है यहाँ पर। ओ वेट, अपने को पहले से ये वाला टेबल मिल रहा है और ये भी ठीक है। ओ अपनी स्पीड कम हो चुकी है, मेरे को वापस चलना चाहिए। बाय गोलेम, मैं बाद में आऊंगा, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। एक क्राफ्टिंग टेबल है, इसमें से ना ये थोड़ा सा वुड रख लेता हूँ और थोड़ा बहुत लेटर्स बना लेते हैं, अपने काम आएगी। इन लेटर्स को चल के लगा देता हूँ यहाँ पर। अब चढ़ते हैं सीधा ऊपर और चलते हैं वापस से अपने घर पे। मुझे कल नहीं मतलब, ओए वेट, मैं बेड तो लेकर जा रहा हूँ। मैं सो के ना लगे यहाँ दिन ही कर लेता हूँ, यहाँ नहीं सोऊंगा। पता चला जिंदा हुआ सीधा नीचे ही जा रहा हूँ, अपने घर पे ही चल के सोते हैं भाई सीधा। अगली मॉर्निंग मेरा प्लान ये है कि मैं डायरेक्ट जाऊं डेजर्ट टेम्पल पे, क्योंकि वहां से काफी अच्छा खासा लूट मिल जाएगा। यहाँ पर पहले बेड रख के अपने बेड का कलर कर लेते हैं येलो। सॉरी पहले डाई तो बना लूं। मैं कहूं ये कौन सा ग्लिच हो गया, बेड भी येलो नहीं होगा क्या? ठीक है तो बेड लगाते हैं यहाँ पर और सो जाते हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है, बेड मैं तोड़ लेता हूँ और अभी इस बेड को अपने पास ही रखूंगा तो ठीक है, मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी यूज कर लूंगा। और फालतू का सामान डालते हैं इसमें, स्पॉन्ज वगैरह का कुछ इतना खास यूज नहीं है तो सारी यहाँ पर ही रहे तो बढ़िया है। ठीक है फिलहाल इन्वेंटरी तो सॉर्ट हो गई है, बट पता है अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे पास खाने पीने के लिए ज्यादा फूड नहीं है। तो मुझे ना आज कुछ भी करके जो एनिमल्स है ना इनको यहाँ पर लेकर आना है एक ब्रिज बना के, और यहीं पर ना इन्हें खिला पिला के अच्छा खासा फार्म बना दूंगा ताकि मेरे को फूड की कभी कमी ना पड़े। या फिर फार्म बनाने की जरूरत ही क्या है, उनको वहीं रहने देते हैं, वहीं पे ले जाके खिलाऊंगा पिलाऊंगा वहां पर। बट जाने से पहले ना ये हेबेल को कन्वर्ट कर लेता हूँ वीट में, क्योंकि काओ वगैरह तो वीट ही खाने वाली है। और क्या मैं बस इतना सा हेबेल लाया था? वेट नहीं, हेबेल से निकला ही इतना। ठीक है तो एक ये फूड कुक हो चुका है, ये वाला रख देता हूँ और अभी के लिए मैं ये खा लेता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा भूख लग रही है। और ये जो कैरेट्स है ये मैं नहीं खाने वाला, ये बेचारे उस पिक के लिए है। ब्रेड खा लेता हूँ, ब्रेड पड़िया चार, इससे भी पेट पूजा ठीक ठाक हो जाएगी, हेल्पफुल करनी है बस। यार कसम से कुछ ज्यादा ही ग्राइंड लग रहा है इस जार वर्ल्ड में, क्योंकि चीजें लिमिटेड है ना तो सोच समझ के यूज करनी है। फिलहाल फूड कुक हो चुका है, इसको रखते हैं बाद के यूज के लिए। और अभी मैं फालतू का सामान थोड़ा सा और है यहाँ रखवा के एक फ्लिंट बना लेता हूँ, मतलब हो सकता है कभी कभार जलाने की जरूरत पड़े तो मतलब मक्का वगैरह को मारने से बढ़िया कुक्ड फूड मिलेगा, कोल भी बचेगा। एंड कॉबल स्टोन अभी मेरे पास ठीक ठाक है तो माइन करने की जरूरत नहीं है, इतने कॉबल स्टोन में वहां तक इजिली पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले एक वाटर बकेट ले लेता हूँ और फटाफट से यहीं से मैं तोड़ के स्टार्ट करता हूँ और चलते हैं हम लोग सीधा। कॉबल स्टोन आ जाओ भाई, फटाफट से तुम्हारी बारी आ गई। डन, तो फिर फटाफट से दोबारा से स्पीड ब्रिजिंग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा गांव के पास। डन, तो मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। फटाफट से ना पानी डाल के ऊपर से जाने वाला हूँ मैं यहाँ पर, मतलब टॉप से एंट्री करेंगे ढक्कन खोल के। चल भाई चल, इसकी कैप ओपन कर दी जाए, यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर। वेट परफेक्ट, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से पानी डाल दिया, अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से नीचे, बस एक ग्लास मुझे और तोड़ना होगा। परफेक्ट, तो अभी मैं ग्लास तोड़ के अंदर आ चुका हूँ और हमने जार के अंदर पानी भर दिया भाई। ओ भाई यहाँ पर तो हर जगह पर अलग अलग ये चेस्ट वगैरह भी मिलेगी क्या? ये देखो यहाँ पर ढेर सारा हमें ये और मिल चुका है वीट, सीड्स भी हैं, ले चलता हूँ इससे फार्म बना लूंगा वीट का। ढेर सारा बोन मिल है, ये उस फार्म को तेज ग्रो करने के काम आएगा। ये लो भाई तुम्हारे लिए मैं कुछ वीट वगैरह लेकर आया हूँ, जल्दी से खाओ और ढेर सारी न्यू काव लेकर आओ। इधर एक ब्लॉक लगा देता हूँ, पता चला गलती से मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और न्यू काव कहाँ है? अरे आगे ये देखो, ये नीचे छोटी सी, ये ओके ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं जाने वाला हूँ चुपचाप से इन शीप्स के पास। तुम मत आना यार, ये आ तो नहीं जाएंगे ना? आ जाएंगे शायद से जंप मार गए, यार नीचे ना गिर जाए बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आना है तो आ जाओ। खैर ठीक है, मैं यहाँ पर शीप के पास आ चुका हूँ। ये लो तुम भी तो वीट ही खाते हो, जल्दी से खाओ और एक छोटी शीप लेकर आओ। अरे तुम कहाँ इधर उधर आ रहे हो? अरे यार इधर इधर इधर, ये लो ये वीट देख के ना, ओ मैं नीचे चल, ये पागल हो गया, नीचे चले जाऊंगा, इधर आ जाओ इधर। नहीं अबे यार, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ तुम्हें मेरे घर ही लेके चलता हूँ, आ जाओ इधर, तुम्हारा कोई काम नहीं है, इधर आ जाओ भाई साहब। अरे गिराओ मत एक दूसरे को, नहीं, अरे भाग क्यों भाई, एक दूसरे को ना गिरा ले भाई, मुझे डर लग रहा है अभी कसम से, इनको जल्दी से लेकर आना होगा, लाइन से आ रही हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। फाइनली अपने पास पेयर्स तो एटलीस्ट दो शीप है तो दो काव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में सारे लो लो खाओ खाओ, पेट में जगह है नहीं और इनको मेरे पीछे आना था, बाकी ठीक है। मैं वेट, ये रास्ता बंद करना है, ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। मैं ना यहाँ से कुछ फेंस गेट बना लेता हूँ, वही मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा एटलीस्ट यहाँ पर। अच्छा एक से एक ही बनता है, मैं अगर कुछ फेंस गेट बना लूंगा तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर दो रख देते हैं ये,
परफेक्ट, तो तीन फेंस गेट हो गए हैं। अब मैं इसको तोड़ के यहाँ पर यही लगाने वाला हूँ। ज्यादा झमेला भी नहीं होगा और बस मैं ही जा पाऊंगा। ध्यान रखना होगा कि कभी गलती से दरवाजा खुला ना रह जाए, वरना ये चाचा के खाइयों में कूद जाएंगी। ले ओ भाई खा लो यार खा लो, और मेरे पास फूड नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मेरे को फूड चाहिए तो एक शीप ये रही, तीन शीप होगी तो मैं एक को मार दूंगा। वैसे गाइस देखो अभी ना मेरे को भूख लग रही है, तो एक शीप ये रही, एक ये रही, और ये दो ही पेयर है। वेट, इनको तो फिर फूड खिलाकर तीन बनाना होगा। तो येलो भाई तुम पहले खाओ, तुम्हारा ज्यादा जरूरी है। एक नई शीप लेकर आओ ताकि मैं एक को मार के अपने फूड का जुगाड़ करूं। येलो इसी बात पे अब मेरे को इसे पकाना है। मतलब हाँ मेरे को ध्यान रखना होगा कि कहीं दो से कम हो जाएगी तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। फिलहाल मैं जाकर ना एक पिग ले आता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है गाइस, तो भी ना फटाफट से चल के सोते हैं क्योंकि कल मुझे जाना है डेजर्ट टेम्पल मस्त लूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है। अब डेजर्ट टेम्पल, अच्छा वो भाई बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां पर जाने से पहले थोड़े बहुत कॉबल स्टोन माइन कर लेने चाहिए मुझे। यहाँ पर ढेर सारा कॉबल स्टोन, तो इसको माइन करना स्टार्ट करते हैं। काफी सारे कॉबल स्टोन मैंने माइन कर लिए और मेरी ये वाली पिकेक्स कभी भी टूट सकती है। शायद से ये 5 कोबलस्टोन और माइन कर पाएगी। वेट वन, और उत्तरी भैंस की वन में ही चली। मेरे को लग रहा था 5 तो आएंगे एटलीस्ट। बाकी ठीक है, अभी मेरे को जाना है ये रहा डेजर्ट टेम्पल, तो यहाँ के लिए मेरे को रास्ता बनाना है। अगर ओ अंडा है, अंडा अंडा अंडा, 2 अंडे हो चुके हैं। प्लीज एक में से मुर्गी निकल जा, ये फेंका और खाली, एक और फेंका खाली। भैंस की नकली अंडा देते हो। कोई नहीं, अभी यहाँ से यार एक काम करता हूँ, एक ना आयरन स्वॉर्ड बना ही लेता हूँ। और मैंने चेस्ट प्लेट कब से बनाई हुई है बट अभी तक पहन ही नहीं। अब तो यहाँ पर रखा ये 2 आयरन और 1 स्टिक रखा, ये बन गई आयरन की स्वॉर्ड। और ये नकली वाली स्वॉर्ड रखवाते हैं इसमें, आई मीन वुड वाली, नकली नहीं। और जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत ना ये वुड माइन कर ले, मतलब वुड तोड़ लेता हूँ यहाँ से, बिकॉज इसकी काफी अच्छी खासी जरूरत पड़ती रहती है कभी भी। मैं इतनी देर से खेल रहा हूँ और अभी तक एक शवल नहीं करा मैंने। वेट ठीक है, फार्मिंग से रिलेटेड जितना भी आइटम होगा वो मैं सारा का सारा इस वाली चेस्ट में रखवाऊंगा। और इस टाइम पे अपनी इन्वेंट्री फुल सॉर्टेड है तो चलते हैं। बट जाने से पहले अपनी काओ को मैं खाना खिला देता हूँ। ये ले और तू भी खा लो जल्दी से, एक तीसरी काओ ले आओ और चलते हैं फिर बिना किसी देरी के। यहाँ पर इसको मैं तोड़ देता हूँ और जाने से पहले मुझे एक फेंस गेट यहाँ पर लगाना है। फेंस फेंस फेंस, इसके अंदर मैंने रखा था ये रहा। चलो भाई कॉबल स्टोन लगाते हैं यहाँ पर 2 और इस तरफ में लगाते हैं फेंस गेट। बाय बाय, मैं आता हूँ थोड़ा बहुत सामान लेके। काश यार उस डेजर्ट टेम्पल से ढेर सारी काम की चीजें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ तक भी पहुंच चुका हूँ। फटाफट से इसको तोड़ के चलते हैं अंदर। और यहाँ पर बहुत सारी फॉक्स है, वेट यानी यहाँ पर बेरीज भी होंगी कि बेरी, ओह वेट इसके अंदर होगी ना। मेरे को पता था यहाँ पर होने वाले। ढेर सारा आयरन भी है, चाकोल भी है और स्पूस सैपलिंग भी है। तो सैपलिंग तो मैं लेकर चलूंगा, वहां पर पेड़ उगा लेंगे। और यहाँ पर और क्या है, आवाज तो आई शायद किसी चीज की। खैर वो सब ठीक है, ये लो तुम बेरीज खाओ। और एक यार ये कच्ची बेरी थी, पता ही नहीं चला। ये लो, अरे ले यार मैं खिला रहा हूँ तेको। ये ले, गानी नहीं है ये, खा इसको। ये ले खा जा। ओके अभी ये टेम हो चुकी है, ढेर सारी बेरीज यहाँ पर और है, इसको तोड़ लेता हूँ मैं। और ये देखो यहाँ पर एक न्यू फॉक्स आ चुकी है। अब ये मेरे से टेम रहेगी, मतलब मेरी सारी बातें मानने वाले। इनको यहीं रहने देते हैं, अपने पास नहीं लेके चलूंगा मैं। खैर सामने है मेरे डेजर्ट टेम्पल, मेरा टारगेट वो है, तो फटाफट से ना पहले वहां पर चलते हैं। एक ब्लॉक लगाया यहाँ पर, रास्ता बंद कर देता हूँ। अब फटाफट से चलते हैं डेजर्ट टेम्पल के लिए। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ द डेजर्ट टेम्पल जार पे। बस थोड़े बहुत ब्लॉक्स और लगाने और अपनी एंट्री हो जाएगी अंदर। फिलहाल मुझे सामने से ढेर सारी स्पाइडर्स की आवाज आ रही है, चलते हैं नीचे और अंदर। अरे 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 रुको 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 रुको, 1 मिनट लड़ाई करेंगे। अच्छा ये तो भारी नहीं आ पाएगी। हाँ हाँ बोलियो, कहाँ इधर। अरे भाई साहब पागल हो गए हो क्या, क्रीपर व्रीपर सब अंदर, मारो इसको, फूटियो मत भाई प्लीज। कंटिन्यूअसली स्पाइडर्स आए जा रही हैं यार। भाई ऐसा भी क्या अंधेरा था कि इतनी सारी स्पाइडर। अरे भाई हो गई, दोनों स्केलेटन्स के आपस में हो गई और ये वाले मारे गए भाई साहब। चलो अब बारी है, अरे दोनों स्केलेटन ने एक दूसरे को मार दिया। तुम भी कुछ कर लो, मारो ना मेरे को, इधर आओ, मार मेरे को। तुम क्यों नहीं मार रहे, इतने सारे चमगादड़ बैठे हुए हैं, लिमिट होती है, हद से ज्यादा है भाई। ठीक है फिर यहाँ से वाला ब्लॉक मैंने तोड़ दिया। और ये थोड़ा छोटा नहीं लग रहा डेजर्ट टेम्पल, मतलब अचानक से अजीब सा लगा। TNT यहाँ पर भी है ना कि ऐसे। ओ वेट यहाँ पर भी TNT है भाई, तोड़ देता हूँ यार इनको पहले, ये तो काम भी आएंगे वाले। तो ढेर सारे TNT मैंने तोड़ दिए, तोड़ना जरूरी भी है, पता चला क्रीपर आके मेरी बैंड बजा दे। अब तो मैं आ चुका हूँ ऊपर, अब बस चेक करना है लूट यहाँ से क्या क्या मिलेगी। ये खोला Emeralds, let's go, good, ढेर सारा बोन मिला है। हॉर्स का तो कोई काम नहीं है तो मैं ये नहीं लेने वाला हूँ, सैडल और आर्मर। स्पाइडर आए, पोशंस वगैरह बनाने तो नहीं है बट ले लेता हूँ, फेंक दूंगा अगर जब स्टोरेज नहीं होगी। और यहाँ से मेरे को मिला ढेर सारा बोन, रॉटन फ्लैश, डॉग्स को खिला दूंगा कोई दिक्कत नहीं। और ये है ढेर सारा आयरन, ठीक है अच्छा लूट है। यहाँ पर ओ एंचेंटेड गोल्डन एप्पल, लेट्स गो, ढेर सारा बोन। सैंड से मैं ब्रिजिंग नहीं कर पाऊंगा बट ले लेता हूँ, ग्लास तो बन जाएंगे एटलीस्ट। और ढेर सारा स्ट्रिंग है ये भी ले लेते हैं। एंड यहाँ पर हो गया, और इसके अंदर से फिर से एमरल्ड्स,
रोटन फ्लैश, नाइस, ढेर सारा गोल्ड और फॉर्च्यून 3। अब भैंस की ये चीज मिली ना काम की, डायमंड वगैरह मिलेंगे सीधा डबल। बट पता तो चले डायमंड आखिरकार होने कहां पे वाले हैं। खैर ठीक है, चारों चेस्टे मैंने लूट लिया और मैं किस खुशी में स्वॉर्ड फेंक रहा हूँ अपनी। वैसे यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि शायद बाहर रात हो चुकी है, तो बाहर जाने से पहले वेट, मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि मैं अपना बेड लेकर ही नहीं आया, मुझे अब रात में ही घूमना होगा। अरे यार बाहर बहुत ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। वेट कोई भी नहीं, मैं खाली पीली डर रहा हूँ। स्केलेटन की आवाज तो आ रही है, कहीं वो इस साइड है। वेट पता नहीं उसकी आवाज आ रही है। बाय द वे वाला जार हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा हो, एकदम नीचे इसके केव वगैरह भी हो सकती है, तो वो हो सकता है स्केलेटन वहां पर हो। फिलहाल सामने मुझे एक प्लेजर टावर, पॉलर बियर, आयरन आइस कोलम एंड इस तरफ में तो पता नहीं क्या है, और उधर एक वुडलैंड मेंशन है। वुडलैंड मेंशन में अभी नहीं जा सकता, मेरे पास प्रॉपर आयनर आर्मर नहीं है। और वहां पर इवोकर भी होगा, बट इवोकर से उतना डर नहीं है, असली डर है उसकी वैक्स से। भाई वो बहुत गलत वाली बैंड बजा देंगे मेरी। अगर देखा जाए अभी मेरे पास यार ज्यादा कोबलस्टोन नहीं बचे हैं, तो मेरे को अपने घर ही वापस निकलना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां से पानी, वेट पानी इस तरफ है, पानी कलेक्ट करके भागते हुए चल लेते हैं। बट यार जो भी हो थोड़ा सा बैड लगता। अरे 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 रुको भैया, ये थोड़ा ज्यादा बैड लगा। वेट इधर रुको, तुम आना जा रहा? हाँ भाई, कौन फालतू बोला था? क्रीपर भाई, मजाक कर रहा था, मैं तेरे को कहीं नहीं रहा। बच चुका भाई, एरो है क्या इसमें? इसकी भैंस की, मेरे को मारेगा तू? कहाँ पर है? ये पैर दिख रहा है इसका। वेट ये देखो, निकल यहाँ से। पड़ा उसके इधर भाई, बहुत गंदा मार। ओ एक आइडिया। हाँ भाई कैसे हमसे ये ले फिर? वेट ये ले, पीछे और पीछे पीछे पीछे, ये मेरे को देख ही नहीं पाएगा ना ही ब्लास्ट होगा। इथे दिमाग लगाओ, दिमाग टन। तो दोनों क्रीपर को मैंने मार दिया। अरे दो नहीं, पीछे एक और था। वेट क्रीपर भाई देख, मेरी बात समझ, आराम से मारूंगा, चुपचाप खाना है तेरे को। रुक जा, ये ले। अरे स्पाइडर कहाँ से आ रही है? पीछे हो जा, ओए पीछे पीछे, ओ बच जा, फटी गया नूबड़ा, माँ खराब, ये स्पाइडर पिटेगी। मैं एरो उसके मारने चाह रहा था, उसने कितने सारे ग्लास फोड़ दिए भाई, रास्ते ही रास्ते खोल दिए। मेरे को इन वुल्फ की चिंता है, तो कोई नहीं, जो सैंड मिला था ना इसको यहीं पर यूज कर लेते हैं। एटलीस्ट ये वुल्फ यहाँ से बाहर, मतलब वुल्फ क्यों बोल रहा हूँ मैं, फॉक्स, फॉक्स यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और ये स्पाइडर ऊपर चढ़ के बैठे, नूबड़ी नीचे उतर, भैंस की मरी गई। वाओ एरो अलग बर्बाद करवा दी यार मेरी, बट कोई नहीं चलेगा, यहाँ से भी चलते हैं वापस। और फॉक्स के लिए मैं रास्ता बंद कर देता हूँ, बाद में आके ओपन कर लूंगा। और गाइज ये देखो, ये है अपने वाला जार, कितना ज्यादा बड़ा है। वैसे यार ठीक है, हमने आज के लिए काफी ठीक ठाक ग्राइंड कर लिया है, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे से नेक्स्ट एपिसोड में। और ये अब मैं आ चुका हूँ वापस तुम्हारे लिए, ढेर सारा खाना है मेरे पास, खाना वाना खा लो भाई। और वेट बड़ी वाली काँव ये रही, चलो भाई अब चार काँव हो जाएगी, मैं इनमें से एक को मार दूंगा। आजा 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 आगे चार, ये ले इसी बात पे। शीप ये लो, तुम्हारे लिए भी फूड है, एक नई शीप लाओ। आजा 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 आजा, और ये लो इसी बात पे। चिकन्स को भी तो खिलानी पड़ेगी। सीड, ओह सॉरी सीड मैंने यहाँ पे रखी है, सीड एक ही सीड है, इसमें काम चला लोगे तुम? ये लो चलाओ। अच्छा मेरे को उसको भी खिलानी पड़ेगी यार। वेट आ रहा है क्या? ये घास तोड़ के ले लेता हूँ ना, सीड तो बड़ी रेयर थोड़ी है ये रही सीड। ये ले तू भी खा। या इसी बात पे एक नई चिकन आ गई है। बाय बाय, बहुत सारा फूड इकट्ठा कर लिया भाई तुम्हारे भाई ने मजे मजे में। चलो अभी मतलब फूड का सीन तो मैंने ये सॉर्ट कर लिया।